चमोली में गोपेश्वर पुलिस ने मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 29 अक्टूबर को मृतक की पत्नी वादिनी ने थाना गोपेश्वर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति नवीन पंबार पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया है। शिकायत के आधार पर SP ने पुलिस टीम का गठन किया और जांच शुरू की। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के से पूछताछ करने पर पता चला है कि शराब पीने के दौरान मृतक नवीन पंबार के वीडियो बनाए जाने को लेकर आपसी विवाद हुआ था। मिली भगत से मृतक को सबक सिखाने के उद्देश्य से उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद मृतक को आरोपियों ने सेवा योजन कार्यालय के समीप टॉयलेट की छत पर डाल दिया। मामले का घटनाक्रम CCTV में रिकॉर्ड हुआ है। मामले का खुलासा और गिरफ्तारी करने वाली पुलिस की टीम की सराहना करते हुए SP ने इनाम देने की घोषणा की है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। से जो अभियोग पंजीकृत किया गया था उसमें गरीब प्राप्त होते हुए मुकदमे में तहकीकात की गई। इसमें जहाँ घटनास्थल के आसपास CCTV फुटेज कैमरा वगैरह जब तलाशे गए उसमें 4-5 लोगों के उसमें चेहरे उनका हुलिया दिया गया, जिसको आगे ट्रेस आउट करते हुए हमारी टीम ने पता लगाया कि सेवायोजन कार्यालय के पास मृतक में कुछ अन्य लोग मौजूद थे जिनमें आपस में झड़प हुई। झगड़ा हुआ उस झगड़े के ही परिणाम स्वरूप वो घटना कारित हुई और विवेचना करते हुए CCTV फुटेज अन्य टेक्निकल पहलू एवं जो हमारे मैनुअल इनपुट्स हैं उनके फिर होते हुए हमारी टीम द्वारा सफलता हासिल की गई और इसमें अभी 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई। इसमें जो 5 नाम इस प्रकार है: राहुल, हिमांशु, सुमित, ऋतिक और कपिल। ये सभी लोग वहीं के लोकल बस्ती के निवासी हैं और मृतक से झगड़े में दौरान जो हादसा हुआ उसमें ये लोग संलिप्त है और इसमें आज इनका रिमांड इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहां पर अभियान कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।